जहाँ पर मैं खड़ा हूँ ऑलमोस्ट यहीं पर ही कुछ 10 से 12 फुट पानी होगा। ये जो तुमने तो एम कोई नुकसान है वो कहीं नहीं थी ना, घर डूबी गई लो एम। ओ भाई साहब ये क्या हो गया, खेला हूँ आप देखो दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात। यहाँ पर क्या अच्छा है, कौन सी जगह अच्छी है घूमने जैसा कि भाई यहाँ पर जा सकते हैं, और यहाँ का फेमस क्या है वैसे? अब कुछ अच्छा रोड आया, मैं थक गया था भाई, वो बहुत बहुत मतलब ट्रैफिक वाला रास्ता था, तो बस अब अच्छा वाला रोड आ चुका है और राइड शुरुआत से शुरू हो चुकी है। गाड़ी को एकदम धो के नई करके पॉलिश वॉलिश करके रखी थी चकाचक, और इतने वक्त से राइड हुई नहीं थी तो गाड़ी को देख के मैं रुक नहीं पाया भाई, नहीं आज तो मुझे जाना ही पड़ेगा। और पहले जब मैं उठा मॉर्निंग में तो सबसे पहले मैंने बाहर देखा, बालकनी में आया, मैं बोलूँ भाई बारिश तो नहीं है आज, क्योंकि लास्ट वाली राइड बारिश की वजह से कैंसिल हो गई थी, तो भाई आज अच्छा मौसम था तो कोई दिक्कत नहीं आए, सब बढ़िया है। हवा थोड़ी लगेगी, थोड़ी चेन खोल देता हूँ जैकेट की, क्योंकि पीछे बहुत ट्रैफिक था ट्रक का, तो यार गर्मी गर्मी हो गई। ओहो रेलवे क्रॉसिंग, हाय अब कुछ हवा आ रही है ठंडी, और ये कुछ सुबह 10 बजे का मौसम है। कौन सा गांव आया है यहाँ पर, लिखा हुआ है वेलंजा, तो ये वेलंजा गांव है भाई साहब। और यहाँ पर ये जो ओवर ब्रिज है उस पर से मैं जा रहा हूँ, और रुकावट के लिए खेद है भाई, लोग जा रही ले भाई पूरा रास्ता रोक के हीरो लोग, सो रुकावट के लिए खेद है। अभी अब ये जहाँ से निकले हैं अब यहाँ पर ऐसा है तो ओहो और भी बड़ी लाइन है भाई, ये क्या यार इतनी धूल उड़ा के गया, ये पूरा हेलमेट और जैकेट भर दिया। अपना डिसाइड हो चुका है कि भरूच चला जाता हूँ, यहाँ से भरूच करीबन 46 किलोमीटर है और अराउंड एक घंटे का रास्ता है, यहाँ से बोल रहा हूँ, सूरत से कुछ 70-80 किलोमीटर होगा आई थिंक सो, क्योंकि भरूच में वैसे गया नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम जा रहा हूँ यहाँ पर। हाँ रास्ते में ऊपर से हाईवे से कई बार गया हूँ, लेकिन आज मैं भरूच के अंदर जा रहा हूँ, और मैंने सुना था वहाँ पर कुछ फ्लड और पानी की रेल वगैरह भी आई थी, तो चलिए देख लेते वहाँ पर क्या हाल है क्या नहीं, वहाँ पर चाय नाश्ता कर लेंगे और वहाँ पर थोड़ा सा घूम के और रिटर्न हो जाएंगे। अभी 100 पर टच कर देते, ओह 97। अभी यहाँ पर बहुत सारी रेस्टोरेंट्स जा रही है हाईवे पर, फिर भी अगर कोई अच्छी होटल आई तो वहाँ पर चाय पी लूँगा, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा, क्योंकि हम अकेले राइड करते हैं तो बहुत तरह की सोच दिमाग में आती रहती है, सो उस सोच को अवॉइड करने के लिए अपन के पास जो दवा है वो दवाई का नाम है चाय। चाय पियेंगे सारी जो भी सोच है वो फ्रेश हो जाएगी। होटल ग्रैंड भरूच 33 किलोमीटर और इसमें दिख रहा है 28 किलोमीटर, 5 किलोमीटर का फर्क बाबू भैया, ऐसा नहीं चलता। आ रहा है मकई, हाँ मकई लग रही है, पूरा ट्रक मकई से भरा हुआ है, कौन? और भाई लोग क्या बोलती पब्लिक, क्या बोलती कंपनी भाई। सो लेडीज एंड जेंटलमैन वी आर करंटली ऑन रूट टू भरूच एंड करंटली वी आर ऑन नेशनल हाईवे 48 एंड द डेस्टिनेशन इज फार फ्रॉम 24 किलोमीटर फ्रॉम हियर एंड वेलकम ऑन बोर्ड BMW GS Adventure। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एक और नए ब्लॉग में, ब्लॉग देखते रहिएगा आपको मज़ा आएगी, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी कभी सब्सक्राइब करो और उसके बाद आप पूरा ब्लॉग देखिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो यहाँ पर रुक के चाय पानी करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर पार्किंग अच्छा है वैसे। हाँ भैया
चाय का मैंने अभी जस्ट कहा और इमीजिएटली चाय आ गई। बहुत फास्ट सर्विस है भाई। पानी पी लूँ? मैं पानी भी लाया था। सो अभी रास्ते में एक अच्छी सी रेस्टोरेंट है, वहाँ पर रुका हुआ हूँ। और यहाँ से भरूच करीबन मेरे हिसाब से 25 किलोमीटर होगा। तो ठीक है, यहाँ पर चाय पी लेता हूँ और देखो वहाँ पर, उसके बाद आगे निकलता हूँ। चाय पी के देखते हैं कैसी है, क्या टेस्ट है उसका। चले या तेरी और, यहाँ से कोई नीचे बता रहा है। अच्छा है भाई, बच गया। यस सो ब्रो, पहुँचे भाई अभी अंकलेश्वर। अब यहाँ से आगे से नर्मदा का ब्रिज आएगा और अपन भरूच। सो भाई मैं अभी अंकलेश्वर में हूँ और यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो यहाँ पर मैं एक्चुअली पूछ रहा था कि यहाँ पर जो फ्लड आया था वो एरिया कौन सा है। तो मुझे जितेंद्र भाई मिले, तो उनका कहना है कि यहाँ से कुछ 2-3 किलोमीटर आगे एक जगह है, वहाँ पर ही पूरा फ्लड वगैरह भी आया था। तो मैं बोल रहा था भाई मैं वहाँ भी मिल लूँ। तो जितेंद्र भाई बहुत अच्छे, इन्होंने भी वहाँ पर अनाज पानी कपड़ा जो भी इनसे हो सका इन्होंने भी वहाँ पर हेल्प की है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आज के ज़माने में ऐसा नहीं होता है। इवन मैंने सुना है वहाँ तक गवर्नमेंट भी इतना सब वहाँ से सपोर्ट नहीं था। तो चलो ठीक है, आजू बाजू वाले सपोर्ट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा जितेंद्र जी आपसे मिलके, नाइस मीटिंग यू। और इन्होंने कुछ मुझे एक क्लिप देने वाले हैं, मैं वो भी अटैच कर दूंगा, इन्होंने वहाँ पर क्या क्या दिया। सो ये एक इंसानियत की बहुत अच्छी मिसाल है। तभी जितेंद्र भाई से मिला, उनका कहना है कि बोरफटा बैठ करके एक जगह है, वहाँ पर काफ़ी भारी नुकसान हुआ है। तो वो यहाँ पर ये ब्रिज के नीचे है। सो भाई अब भरूच आया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि भाई चलो वो एरिया भी देख लूँ और जो भी वहाँ के लोग हैं थोड़ा देख लेते हैं भाई क्या है। 5 फुट 6 फुट એટલે મને એમ કીધું કે સામે પર ઓછું હતું, આ પર વધારે હતું, વો નુકસાન ને આપણું કઈ ગવર્નમેન્ટ ની સહાય એવું કઈ નહીં આવેલું હોય ને, બહુ ઓછી ને? હા એ જ કહું છું ને, પ્રાઇવેટ ગવર્નમેન્ટ ની પેપર માં વાંચવેલું બહુ ઓછું એમ, ભરૂચ આવેલું હું તો મેં કીધું આ બી જોઈ લઉં। હા બરાબર, તમારું ભી આ તરફ જ રહેવાનું? તો ઇનકા કહેના એ હે, જિનસે મેને અભી બાત હોઈ, ઉનકા ઘર યહી પર હી હે, બોર ફાટા બેટ મે। તો યહાં પર બોલ રહે કાફી નુકસાન હુઆ ઓર જો પ્રાઇવેટ ચેરિટીઝ હે વહાં સે ઇનકો બહોત સપોર્ટ મિલા, લેકિન ગવર્નમેન્ટ કી તરફ સે સપોર્ટ યહાં પર ના કે બરાબર હે, ઓલમોસ્ટ મિલી હોગી લેકિન ના કે બરાબર। સબ યે જહાં પર મેં અભી હું, યહાં પર પાણી હી પાણી થા कुछ दिनों पहले, और जैसे कि उन्होंने कहा 7 से 8 फुट तक का पानी था, मतलब कि ऑलमोस्ट एक फ्लोर पानी के अंदर था। पानी यहाँ पर दिख ही रहा है, ये रहा आजू बाजू भरा है। अब मैं भरूच राइड पर आया ही था तो सोचा कि भाई यहाँ पर भी देख लूँ, आप लोगों को बता दूँ, क्योंकि न्यूज़ चैनल जो है वो इतना एक्यूरेट नहीं बताएगा जितना अपन फेस टू फेस पर्सनली बताते। હા એ ઓવરબ્રિજ તો અચ્છા બનાયા, લગતા ટ્રેન કા હે, પેલું પાણીની રેલ આવેલી આટલે આવેલી અંદર હજી, કે આટલો બધા મત પાણી હતું, 8-8 ફૂટ પાણી એમ કઈ કહેતા હતા, હે એક એક માળો આખો ડૂબી ગયેલા, હે ઓહો હો, કઈ આગળ મારી વાત થઈ, કઈ 10-11 વર્ષ પછી પાછી આવું પાણી આવ્યું, પહેલે પણ આવું નહીં આવેલું ક્યારે। ચાલો ઠીક છે, બીજું કઈ એમ બધું જાનહાની તો નહીં ને? મેં કીધું અહીંયા ભરૂચ આવેલો તો આગળ કોઈને પૂછ્યું તો એમ કીધું કે બ્રિજની નીચે જ છે, તો મેં કીધું ભાઈ જોઈ લઈએ આપણે,
बराबर ना आप तो। हाँ चलो थैंक यू। तो भाई मैं जैसे कि आया था भरूच, तो मैं सोच रहा था कि भाई पूछ लूँ इन लोगों को कि भाई यहाँ पर क्या है। तो इन लोगों से, चार पांच लोगों से, गांव वालों से मेरी बात हुई, तो हालत बहुत ख़राब थी और काफ़ी सारे घर वगैरह पानी में बह गए और अनाज और वगैरह फर्नीचर काफ़ी नुकसान हो गया। और पूरा पीछे झाड़ देख रहे हो, ये पूरा डूब गया था, मतलब मेरे जैसे और ऊपर तीन आएंगे उतने ऊपर से पानी जा रहा था। और ये बिल्कुल नर्मदा नदी के करीब है, सो पॉसिबल है कि भाई इस बार बारिश ज़्यादा था तो उस वजह से आ गया। मैं भरूच आया था राइड के लिए, तो सोचा कि ये लोगों को भी एक मुलाकात ले लूँ भाई, अब इंसान है, इंसानियत के नाते दो लोगों से बात करेंगे, उनको भी अच्छा लगेगा। और गवर्नमेंट से सपोर्ट बहुत कम था, प्राइवेट सेक्टर का जो भी सपोर्ट सिस्टम है उन लोगों से, प्राइवेट से बहुत इन लोगों को हेल्प मिली है, लेकिन गवर्नमेंट से ना के बराबर। सो दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटेड। अब देखिए क्या है, मैं तो अभी आया हूँ तो मैंने आज का आपको बताया, अब आगे क्या क्या यहाँ पर होगा, गवर्नमेंट किसको क्या हेल्प करेगी वो तो मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन आज मैं आया था तो मैंने आपके साथ शेयर किया, तो चलो भाई ठीक है मैं शेयर करूँ। तो यहाँ पर रुका हूँ, ये गाड़ी है, अब मैं डायरेक्टली जाऊँगा यहाँ से पीछे नर्मदा नदी के ऊपर जो गोल्डन ब्रिज है जो कि फेमस है, वहाँ जा रहा हूँ और भरूच के अंदर जाके खाना वाना पीते हैं, बहुत खाना वाना खाते हैं, बहुत भूख लगी है। तो बस चलो आगे बढ़ता हूँ, पानी वानी पीता हूँ। और मेरे सामने मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये वाला जो ब्रिज है वो ऑलमोस्ट 150 साल जूना ब्रिज है और बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। आप देखो, इससे देखकर आपको लगेगा भाई क्या बनाया है। और ये समझो अभी ये बंद कर दिया गया है पब्लिक के लिए, पहले मैं जब छोटा था, जब मैं आता था यहाँ पर, तब ये चालू रहता था। मैं आपको बता देता हूँ, ये जो है ये ब्रिज, और ऊपर देखो लिखा है नर्मदा ब्रिज, 7 दिसंबर 1877 को ये कंप्लीट हुआ था। सो 1877 को कंप्लीट हुआ था, तो 1877 से अंदर 100 आप ऐड करोगे तो 1977 होता है, और उसको ऊपर वापस ऐड करोगे अभी 2023, सो ऑलमोस्ट 150 साल हो गए हैं। सो बस यहाँ पर निकला था, सोच रहा था आपके साथ शेयर करूँ, तो आप देख लीजिएगा अच्छा लग रहा है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ता हूँ। आप देख रहे हो गोल्डन ब्रिज, पुराना वाला जो कि मैंने अभी आपको बताया, उसके बाजू में वो ट्रेन वाला है, और ये देखो नर्मदा नदी। फेमस जगह कौन सा है, कहाँ जाना चाहिए भरूच में, फेमस जगह क्या है, कहाँ जाना चाहिए, कोई अच्छी जगह है कि भाई वहाँ पर आप जाओ, कुछ वीडियो उतार सकते हैं, वहाँ पर वीडियो दिखा सकते हैं। और यहाँ का फेमस क्या है वैसे सर, क्या खा सकते? अरे यार आप भरूच के हो, अभी आप सूरत में आओ, मैं आपको बोल दूँ सूरत में क्या क्या फेमस है। हाँ ऐसा है, भाई इसको तो नहीं पता है, वो तो बोल रहा है मैं तो अभी भरूच में आया हूँ, नया नया 3 दिन हुआ है। चलो मिल के ये आदमी मिला, भरूच में क्या अच्छा है क्या नहीं, वैसे मैं ये आंसर गूगल से भी ले सकता हूँ, गूगल पे हर चीज़ अवेलेबल है, बट थोड़ा सा कुछ एग्जॉटिक करते, किसी को पूछते हैं तो अच्छा रहेगा, मज़ा आएगा। एक मिनट आइए ना, मैं बोल रहा हूँ आप भरूच से ही हो तो यहाँ पर क्या फेमस है, कचौरी है या फिर वड़ा पाव है, यहाँ का फेमस डिश क्या है? वड़ा पाव ही ज़्यादा फेमस है। ऐसा है, और यहाँ पर कुछ घूमने जैसी जगह? नहीं मतलब के थोड़ा वीडियो में मैं दिखा, वो जो जाकर आया मैं, वो तो स्टार्टिंग में ही आया, अभी भरूच में हूँ, मैं बोलूँ यहाँ पर क्या हो सकता है, जैसे कि कोई भी जगह। मतलब ये भाई ने मुझे कहा कि डीमार्ट है, ये है, वो है, मैं बोलूँ भाई मुझे शॉपिंग नहीं करना है, मुझे घूमना है। चलो ठीक है, भरूच की लैंग्वेज में बोलते हैं बेगड़ी गम्मत, गम्मत बहुत कर ली भाई, अब कुछ खाना वाना खिलाओ भरूच वालों। तो फिर मुझे आखिर में गूगल का ही मुझे लेना पड़ा सहारा कि भाई अब यहाँ पर क्या मिल सकता है, तो वो मुझे गूगल ने कहा कि साउथ समर्थ करके है, बहुत अच्छा साउथ इंडियन यहाँ पर खाना वगैरह मिल जाएगा। तो चलो कुछ इडली सांभर खाते हैं, जो कि मेरा फेवरेट है साउथ इंडियन, लाइट टेस्टी वंडरफुल एंड अमेजिंग लाइट वेट। सो जैसा कि मैंने आपको कहा
कि गूगल पर तो वैसे भी हर चीज़ का आंसर अवेलेबल है, बट मैं बोलूँ कि भाई 4-5 लोगों को पूछते हैं, कुछ अच्छा नया मज़ा आएगी। तो बात की, चलो ठीक है, फाइनली मैंने गूगल से ढूंढा और ये जो प्लेस है कैसा है क्या है ऊपर जाके देखता हूँ तो पता चलेगा खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। आई थिंक साउथ इंडियन है तो मिल जाना चाहिए। चलो आ चुका हूँ साउथ समर्थ। लिफ्ट का यूज़ ना करते हुए, कैलरी बर्न करते हुए मैं आ चुका हूँ फर्स्ट फ्लोर पर। भाई साहब लुक तो काफ़ी बढ़िया है, अच्छा बना। सर आप ये रेस्टोरेंट के अंदर हो? यस। साउथ इंडियन मिल जाएगा? और अभी अवेलेबल में मिलेगा? गूगल पर सर्च करा मैंने, काफ़ी 4-5 लोगों को पूछा कि भाई यहाँ पर क्या अच्छा मिलेगा, तो कोई बोल रहा है वड़ा पाव, कोई बोल रहा है चाय। मैं बोलूँ चल भाई, तो गूगल को पूछा तो आपका नाम आया साउथ समर्थ। रिव्यूज़ भी अच्छे थे, चलो टेस्ट भी कर लेते। क्या चीज़? सो होटल के अंदर आ चुका हूँ, सारा ये सब कुछ मैंने रख दिया और बस देखिए आप क्या मंगाते हैं। मेनू आपके सामने है और सामने बैठने वाला आज कोई नहीं है तो मैंने बैग को बिठा दिया ताकि अकेलापन महसूस ना हो। सो मैंने आगे बैग रख दिया कि चलो भाई बैग तो बैठा है एटलीस्ट। तो ये हो गया यहाँ का मेनू, आपको भी दिखाता हूँ क्या क्या चीज़ है यहाँ पर। हॉट कोल्ड बेवरेजेस है, लस्सी है, मिल्क शेक है, दैट्स ओके, वो तो नहीं करना है। साउथ इंडियन मिल इज़ बेटर, तो वही खाएंगे, तो डिसाइड करते हैं क्या खा सकते हैं। इडली है, वैसे ये मेनू काफ़ी अच्छा है साउथ समर्थ रेस्टोरेंट। ऑलराइट ऑलराइट, बहुत सारे आइटम हैं, एक ऑर्डर देता हूँ फिर आपसे बात करता हूँ, देखूँ क्या हो सकता है। मैं से अच्छा वाला मतलब एक नया टेस्ट कौन सा होगा? देखो मैसूर सादा वो सब खाया है अपन को, ये ना अच्छा नया टेस्ट चाहिए, एक बढ़िया वाला टेस्ट। आपको थ्री फ्लेवर में मतलब चलेगा? कौन सा सर? थ्री फ्लेवर में कोई चलेगा मतलब कौन सा है? कौन डोसा रहेगा? डोसा प्लाटर में। ओके अच्छा, चीज़ कौन यार मैं अकेला खा पाऊँ नहीं सच रहता ऐसा। चलो तो ये करो ठीक है। डोसा प्लेटर में तीन टाइप का डोसा आएगा, कुछ चीज़ कौन डोसा आएगा, उसके अलावा कुछ वो पेरी पेरी डोसा आएगा, पता नहीं वो भाई कुछ बोला तीन टाइप का डोसा आएगा, तो आज वो खाते हैं, कुछ नया ट्राई करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं आज। ये है तीन टाइप का डोसा और ये है चटनी। सो डोसा प्लेटर जो ऑर्डर किया था वो आ चुका है। अब मुझे भूख इतनी लगी थी कि मैं एक जो मसाला डोसा है वो तो मैं तुरंत खा गया, अभी यह डोसा था, एक स्प्रिंग डोसा और एक चीज़ कॉर्न पिज़्ज़ा है। चीज़ कॉर्न डोसा है बढ़िया। देखो ये स्प्रिंग डोसा है, ये चीज़ कॉर्न डोसा है और ये अपना जो जीन निकलता है वो स्टाइल में दिया गया है। बहुत टेस्टी है। भाई सो डोसा था वो ख़त्म कर दिया है और बहुत लजीज और बहुत टेस्टी डोसा था, जो कि तीन टाइप का डोसा था जो कि मैंने आपको बताया। अब जब तक कि ये सोडा ख़त्म होती है वहाँ तक मैं एक और लोकेशन ढूंढता हूँ कि मैं भरूच में कहाँ जा सकता हूँ। तो बस अभी सोडा पीते पीते रिसर्च करता हूँ गूगल पर, और अगर कोई अच्छी जगह है तो वहाँ बिल्कुल मैं अभी पहुँच रहा हूँ, अगर नहीं मिली तो घर तरफ रिटर्न चला जाऊँगा। चलिए बहुत टेस्टी खाना था सर, थैंक यू सो मच। सो ब्रंच ख़त्म कर लिया, ब्रेकफास्ट प्लस लंच, अब निकलता हूँ कोई और अगर प्लेस, थैंक यू, कोई और अगर प्लेस मिलता है। यहाँ पर आजू बाजू 2-3 प्लेसेस है और कुछ नियर बाई वाटरफॉल भी है, बट वहाँ नहीं जाना, एक पार्क है। अब पार्क में अभी जाके कोई मीनिंग नहीं है, बहुत गर्मी है और एक सो अब लिफ्ट का यूज़ ना करते हुए, कैलरी बर्न करते हुए हम सीढ़ियों से जाएंगे। ब्रंच है वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, ब्रंच इज़ इक्वल टू ब्रेकफास्ट और लंच। सो मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया था और लंच को अभी देर है तो मैंने ब्रंच कर लिया और बहुत अच्छा था। यहाँ पर मैंने खाया तीन टाइप का डोसा था। अब यहाँ पर दो चॉइसिस है, मैं आप लोगों को पूछना चाहूँगा। एक तो यहाँ पर मातरिया तालाव है,
और नर्मदा पार्क है और कुछ नियर बाय वाटरफॉल्स भी है। सो अभी आप ये धूप देख रहे हो मेरे सिर पर, इतनी गर्मी है, मैं सोच रहा हूँ भाई अब यहाँ वहाँ पार्क में जाके मीनिंग नहीं है, अपन बच्चे तो है नहीं, ठीक है। सो अब सोच रहा हूँ कि अब बाय बाय अलविदा कह दूँ भरूच को, अब मैं सूरत की तरफ निकलूँगा। यहाँ पर आप देखो वो बोर्ड मारा हुआ है सूरत 73 किलोमीटर। सो आप लोगों की चॉइस भी मैं समझ गया, गर्मी में इधर उधर घूम के कोई मीनिंग नहीं है। सो अब मैं सूरत की ओर बढ़ता हूँ, अपना डेस्टिनेशन अपनी मंजिल इस तरफ है, और ये वाला जो मंजिल है ये तो एक्सप्लोर कर चुका हूँ। सो चलिए रिटर्न होते हैं, आपसे दो बातें करते। सो जैसे अभी ब्रिज ख़त्म हो गया नर्मदा का, भरूच का ब्रिज, उसके बाद आगे आया तो ये अंकलेश्वर वाला ब्रिज है, आप देख रहे हो। तो ये ब्रिज बहुत बड़ा है, ऊपर ही सर्कल है, यहाँ मेरे नीचे जो है आप देखोगे वहाँ पर अंकलेश्वर है। सो यहाँ से अगर सीधा जाऊँगा तो भी सूरत आएगा, बट उससे वो हाईवे आएगा, और अगर यहाँ से राइट मारूंगा तो भी सूरत आएगा, तो जो मैं आने वाला था, जो मैंने आपको बोला था, वो वाला रोड आएगा। सो अब एक जैसे रास्ते से ना जाते हुए हम जाएंगे ये वाले रास्ते पर। क्या बोल रहे हो, क्या बोलती पब्लिक, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, ठीक है। सो फाइनल हुआ, आप लोगों का डिसीजन सही था, ये वाले रोड से मैं जा रहा हूँ, और बस रुका था यहाँ पर, अब निकलता हूँ आगे की ओर। धूप काफ़ी तेज है, धूप, गर्मी का मौसम है या बारिश है या ठंडी है समझ में नहीं आता भाई, आपको क्या लगता है कमेंट करो। और भाई कैसे हो, कहाँ चले? हाँ भाई 7,500 MT हमर का है, आप यहाँ के रहने वाले हो, सब्सक्राइब कर लो चैनल। वो भाई हेलमेट का पूछ रहा था, मैं बोलूँ भाई ये कोई 3-4 हज़ार का हेलमेट नहीं है, 7,500 का हेलमेट है, MT हमर, इट्स नॉट अ स्मॉल ब्रांड ब्रो, से तो है इसमें, और ठीक है पेट्रोल पूरा लेना अच्छी बात है, वैसे भी घर जाएगा तो काम लगेगा। अभी और ऑलरेडी हालांकि अंदर पेट्रोल है, तो अभी घर जाके भी ये रहेगा तो काम लगेगा नेक्स्ट राइड में। क्या बोलूं, इतनी गर्मी है, डिहाइड्रेशन फील हो रहा है, तो मैं पानी पे पानी पी रहा हूँ, मैंने होटल में से भी बोतल भर ली और घर से भी 2 बोतल भर के आया था, राइट, पानी पीते रहना चाहिए, और ख़ासकर अगर सोलो राइड है तो मैं